मध्यमा हृदय से उठती है, पश्यन्ति नाभि से उठती है और परा मूल से उठती है। वैखरी के बाद हम मध्यमा में जाएं और हृदय को खूब प्रसन्न, खूब प्यार से भर दें। साबर का सुहावना किनारा है, सावन का महीना है, सब महीनों का सरताज। और परमात्मा का सब प्यारे नामों से भी महाप्यारा सार गर्भित प्रणव है। इस प्रणव के अर्थ में, प्रणव की शांति में, प्रणव की मस्ती में तुम्हारे चित्त को मस्त हो जाने दो। हजारों कथाओं सुनने से भी ज्यादा लाभ है। सब सत्संग और कथाओं का सार यही है कि तुम अपने यार में मस्त हो जाओ। नाना प्रकार के इतिहास और पुराणों की गाथाओं में से यही क्रीम हमें पाना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वपना। कई जन्मों का जन्म मृत्यु का कष्ट सहने के बाद सब जन्मों का फल स्वरूप समझो, सारे कष्टों का परिणाम समझो, ईश्वर की कृपा समझो, तुम्हारे भाग्य की लॉटरी समझो। सबका सार मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म का सार कथा कीर्तन, कथा कीर्तन का सार सत्संग, और सत्संग का सार सत्य स्वरूप आत्मा में विश्रांति। आज तुम सत्य स्वरूप आत्मा में विश्रांति को उपलब्ध होने के लिए डूबते जाओ। सारे सारों का सार वो सब यारों का यार है। कर यारी उस यार से जो सब यारों का यार है, जो सबका सूत्रधार है, जो हर पुतली नाच नचा रहा है, जो ऋषियों के आयनों में प्रकाशित हो रहा है, जो तुम्हारे दिल के धबकारों को देख रहा है, जो तुम्हारी रक्तवाहिनियों में अपनी चेतना का फोर्स दे रहा है, जो तुम्हारे बाल बढ़ाने की प्रक्रिया का आधार है, जो तुम्हारा भोजन पकाने का परम ओज स्टेशन है, जो तुम्हारी बुद्धि के निर्णय को देखने वाला दृष्टा परमात्मा है, जो तुम्हारे दिल में बैठकर वो दिल भर तुम्हारी अनुकूल परिस्थितियों में तुम्हें हर्ष का स्वाद दिला देता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम्हारे चित्त के शोक को भी देखता है, हर्ष को भी देखता है। उस देखने वाले दिलबर में तुम्हारे मन को शांत होने दो। फिर काम की क्या मजाल है, क्रोध की क्या मजाल है, लोभ और मोह की क्या मजाल है, चिंता की क्या मजाल है कि तुम्हारे चित्त को चलित करे। तुम्हें
तुम अपने चित्त को खूब प्यार से भरते जाओ, आनंद से भरते जाओ, क्योंकि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप परमात्मा को मिलने के लिए जा रहे हो तो तुम चिंतित होकर मत जाना, चिंता के चित्रे उतार देना। तुम शोकातुर होकर नहीं जाना, तुम निराशा का नकारा लेकर मत जाना, तुम तो परम प्रेम और आशा की किरणों के साथ अपने यार के करीब जाना। सम्राट से मिलने जाते हैं लोग तो वस्त्र सुंदर पहन के जाते हैं, सुसज्जित होकर जाते हैं। ये सम्राटों का सम्राट जो अंतर्यामी परमात्मा है, उससे मिलने जाना हो तो वासनाओं के गंदे वस्त्रों को फेंक दो, अहंकार के चित्रों को दूर फेंक दो। मेरे तेरे की कल्पना से जो तुम्हारा मुंह गंदा हो रहा है, उसको प्रभु के प्रेम से प्रक्षालन करते हुए पवित्र होते होते तुम्हारे चितड़े को चितचोर के करीब ले जाने दो। वाह वाह, हजार हजार उसकी मेहरबानियां हैं, लाख लाख उसकी करुणाएं हैं। हे मेरे अंतर्यामी प्रभु, तेरी लाख लाख मेहरबानियां हैं, करोड़ करोड़ करुणाएं हैं मेरे नाथ। अब मैं तेरे करीब हो रहा हूं, मैं तेरे करीब एक कदम ही चल पाऊं तो काफी है, लेकिन तू 999 कदम चल देगा। मैं तेरे करीब आने का विचार करने मात्र से तू तुरंत ही अपनी कृपा से मेरे चित्त को अपनी ओर खींचता है। हे मेरे अंतर्यामी, हे योगियों की आत्मा, हे भक्तों के भगवान।